हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। कल मेरे पास पेशेंट आए जिनका 2020 में एएमएच था 0.7, फिर 2021 में था 0.5 और 2023 में वो मेरे सामने बैठे हुए थे, कल ही की बात है, एएमएच 0.14 के साथ। राइट, 3 साल उन्होंने निकाल दिए 0.7 एएमएच होने के बावजूद, कुछ भी नहीं किया, एक आईयूआई तक नहीं हुआ और आईवीएफ तो दूर की बात है। तो इस एपिसोड से मुझे लगा कि ये लो एएमएच पे फिर से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एएमएच की क्या इम्पोर्टेंस है। एएमएच होता क्या है? एएमएच इज़ एंटी मलेरियन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन होता है जो हमें किसी लेडी के शरीर में, ओवरी में कितने अंडे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता है। ठीक, और दूसरा जो टेस्ट होता है जिससे हम पता करते हैं कि भाई लेडी के शरीर में एग्स कितने हैं, वो होता है एएफसी और एंटी एंट्रल फॉलिकल काउंट। तो एएमएच और एएफसी ये दो टेस्ट हैं जो हमें आपके अंडेदानी में अंडों के रिजर्व के बारे में बताते हैं। जैसे आपको मालूम है कि हर लेडी एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है। ये स्पर्म्स की तरह नहीं होते कि जिंदगी भर बनते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, नए अंडे नहीं बनते। जन्म के साथ जितने अंडों के साथ एक लेडी पैदा हुई है वो उतने ही रहते हैं, और समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ उनकी संख्या कम होती चली जाती है और मीनोपॉज पे आके बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, इसीलिए मीनोपॉज हो जाता है। राइट, तो इसमें टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब जैसे ये लेडी हैं, इनको शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले ही विदिन 3-4 मंथ्स सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए था, आईयूआई कर लेना चाहिए था, नहीं होता तो दूसरा आईयूआई, नहीं होता तो आईवीएफ कर लेना चाहिए था। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप लो एएमएच पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं? तो आई वुड से यस, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एएमएच हमें अंडों की नंबर के बारे में बताता है और क्वालिटी हमें बताती है एग्स की, आपकी उम्र। जैसे अब ये लेडी, इनकी उम्र 35 साल है, तो 35 साल पे एग की क्वालिटी उतनी भी ख़राब नहीं होगी, और 0.14 एएमएच होने के बावजूद अगर हमें 1-2 अंडे भी मिलते हैं तो उससे उनके प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। जैसे हमारे सेंटर पे जो लोएस्ट एएमएच लेवल जिस पे प्रेगनेंसी हुई है, दैट इज़ 0.09 नैनोग्राम पर एमएल। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सजेशन ये है कि आपको जल्दी करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतने लो एएमएच पे आप शांत होकर घर में नहीं बैठ सकते हो, आप 2-3 साल नहीं निकाल सकते हो। आपके लिए हर महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए और तुरंत अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, जो कि आईयूआई भी हो सकता है, आईवीएफ भी हो सकता है। लेट योर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डिसाइड अबाउट इट। ऑफकोर्स अगर इतना लो एएमएच है तो आईवीएफ के लिए भी आपको बहुत जल्दी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, उठाने चाहिए, वरना डोनर एग की नौबत आ जाएगी। एंड डोनर एग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिजायरेबल नहीं होता, हर कोई चाहता है कि मेरे अपने अंडे से ही बच्चा पैदा हो जाए। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप गंवाइए नहीं। इसमें कुछ दवाइयों का, कुछ सप्लीमेंट्स का भी थोड़ा सा रोल होता है। DHEA है, टेस्टोस्टेरोन जेल है, CoQ10 है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिंस होते हैं जो डॉक्टर्स कई बार आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उन दवाइयों का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। आप उन दवाइयों के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। अब जैसे इन लेडी का कहना ये था कि हम एएमएच बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो एएमएच नहीं बढ़ता है, एएमएच जितना है उतना ही रहेगा, आप उतना ही रहेगा या कम ही होगा, बिकॉज उम्र का कोई रिवर्सल नहीं है। तो आप सिर्फ इसलिए कि हम एएमएच बढ़ा रहे थे, तो पता नहीं कितने समय से वो DHEA खाए जा रहे हैं, बट प्रेगनेंसी के लिए तो कुछ किया ही नहीं। राइट, तो इस भ्रम में मत रहिए। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स, थोड़ी सी दवाइयाँ वैसे ही साथ में दे दी जाती हैं, लेकिन वो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होती हैं। वो सिर्फ अगर आपके पास 1-2 महीने का टाइम है तो दे दिया, और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट करना है उसके लिए आपको आगे बढ़ना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि लो एएमएच पर भी आप अपने ही अंडे से माँ बन सकते हैं, लेकिन समय रहते स्टेप्स उठाइए। अच्छा, इसमें कुछ 2 और चीज़ों का रोल आ जाता है, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो पूलिंग और ड्यूअल स्टिमुलेशन। एम्ब्रियो पूलिंग का मतलब होता है 2-3 आईवीएफ लगातार किए, और हमने एक आईवीएफ में मान लिए सपोज 1 या 2 बेबी बने, वो फ्रीज कर लिए, फिर बने फिर फ्रीज कर लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में कभी डिटेल में विस्तार से बात करेंगे। ऐसे ही एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं ड्यूअल स्टिमुलेशन, जो लो रिजर्व या लो एएमएच के पेशेंट्स को बहुत बार सजेस्ट किया जाता है, जिसमें एक ही महीने में 2 बार अंडे बनाए जाते हैं। इंजेक्शन्स लगाए, 10 दिन में अंडे तैयार हुए, 12वें दिन अंडे निकाल लिए, फिर 4-5 दिन का गैप दे के फिर से इंजेक्शन शुरू कर दिए और फिर से दोबारा एक सेकेंड लॉट ऑफ एग्स को निकाल लिया।
इसे हम कहते हैं ड्यूअल स्टिमुलेशन। सो एम्ब्रियो पुलिंग एंड ड्यूअल स्टिमुलेशन दोनों ही आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत लो AMH काउंट से जूझ रहे हैं। इन दोनों के ही के ऊपर मैं बाद में आराम से वीडियो कभी डिटेल में बनाऊंगी। राइट नाउ AMH इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, समय रहते करवा लेना चाहिए, कम है तो जल्दी से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। आई होप अब जो लो AMH वाले लोग हैं वो इन लेडी की तरह अपने 2 साल 3 साल 4 साल नहीं निकालेंगे और समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन।